हेलो, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। कैसे हैं दोस्तों? आज हम बनाने वाले हैं पैन फ्राइड मोमोज। पैन फ्राइड मोमोज दोस्तों ये होटल और रेस्टोरेंट में बहुत ही खास है और बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है दोस्तों। तो अगर हमारे अगर वेजिटेबल मोमो का वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप हमारे वेजिटेबल्स मोमो का वीडियो देख सकते हैं। और चिकन स्टीम मोमो का अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आपको बताना है कि आपको चिकन स्टीम मोमो का भी वीडियो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मोमो बना लिया है। मोमो बनाने के बाद इसको स्टीम भी करना रहता है, तो हमने यहाँ पे स्टीम भी कर लिया है। उसके बाद दोस्तों मेन स्टार्ट होता है यहाँ से हमने सबसे पहले एक बॉल में अंडा डाल देंगे। एक डालने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा हमको सॉल्ट डालना है और थोड़ा सा हमको यहाँ पे वाइट पेपर डालना है, थोड़ा सा यहाँ पे एरोमेट पाउडर डालना है। और हम फिर क्या करेंगे, इसको हम एक चम्मच हम यहाँ पे कॉर्नफ्लावर और एक चम्मच यहाँ पे हम मैदा डाल लेते हैं। डालने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल के अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। एकदम पतला सा इसको बैटर बनाना है और फिर क्या करेंगे, इसमें मोमो डाल के मोमोज डालने के बाद इसको हम डीप फ्राई करेंगे। और अगर दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको चिकन स्टीम मोमो का वीडियो पार्ट टू में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसको क्या करना है। इसके बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पे मोमोज हमने डाल दिया है। डालने के बाद क्या करेंगे, इसको हम ऑयल में एकदम गरम गरम हीट वाले ऑयल में आपको इसमें डालना है। ऑयल एकदम गरम हो चुका है, हमने यहाँ पे मोमोज जो भी हमने मैरिनेशन किए थे बैटर लगा के इसको हमने फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद दोस्तों आप ऐसे ही नॉर्मली फ्राइड करके भी मोमो आप खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही एकदम क्रंची और क्रिस्पी होने वाला है। और हम जो पैन फ्राई मोमोज जो बनाएंगे वो एकदम सॉस के साथ में रहेगा, एकदम सॉसी टाइप का रहेगा और एकदम जूसी रहेगा, खाने में बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो मोमोज का कलर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्राउन करने से ये हो गया कि एकदम क्रिस्पी और क्रंची वाले एकदम ये मोमोज हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं, आप मोमोज को ऐसे भी खा सकते हैं। तो फाइनली हमारा मोमोज फ्राई हो चुका है। अब इसके लिए फटाफट से हम सॉस बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक चाइनीज वॉक लेंगे और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक, फाइन चॉप किया हुआ पहले गार्लिक डालेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे जिंजर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रीन चिली डाला है, उसके बाद हमने यहाँ पे जिंजर डाला है। जिंजर डालने के बाद इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ा सा इसको और थोड़ा सौते कर लेते हैं। सौते करने के बाद दोस्तों इसमें हम डालेंगे अब ऑनियंस एंड कैप्सिकम डालेंगे जो हमारे स्लाइस कटे हुए हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम कैरेट भी डाल देते हैं टेस्ट के लिए, और ये डालना भी ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब मिक्स वेजिटेबल जो रहता है। और ये मोमो के साथ एकदम क्रंची टाइप का एकदम बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। ये वेजिटेबल को भी थोड़ा सा हम सौते कर लेते हैं। सौते करने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम अब डालेंगे सॉस। सबसे पहले हमने यहाँ पे रेड चिली सॉस डाला है, कम से कम एक से दो चम्मच मैंने यहाँ पे रेड चिली सॉस डाला है। उसके बाद हमने यहाँ पे डालेंगे टोमेटो सॉस। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस डालेंगे, क्योंकि हम होटल और रेस्टोरेंट बना रहे हैं और ये होटल और रेस्टोरेंट वाले डिश हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑयस्टर सॉस भी थोड़ा सा डालना जरूरी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस भी डाला है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। और अब इसमें हम सीजनिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे सॉल्ट डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम डाल देंगे यहाँ पे एरोमेट पाउडर, और थोड़ा सा हम डाल देंगे यहाँ पे वाइट पेपर पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें फिर डाल देंगे सोया सॉस। थोड़ा सा हमने यहाँ पे शुगर भी डाला है। डालने के बाद इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी थोड़ा ऐड करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हमारा जो मोमोज फ्राई करके जो हमने रखे थे, अब मोमोज भी डीप फ्राई किया हुआ मोमोज भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से इस पर टॉस करेंगे।
क्रिस्पी और क्रंची मोमोज खाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको मोमोज को फ्राई करना पड़ेगा। फ्राई करने के बाद आप इस तरीके से सॉस में बना के आप घर में भी बना सकते हैं। घर में बनाना भी इतना ये मुश्किल नहीं है, आप घर में भी बना सकते हैं। चिली सॉस और टोमेटो सॉस आराम से अवेलेबल रहता है। बस मोमो आपको अगर बनाने आता है तो मोमोज भी घर में बना के इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। और अगर फुल वीडियो देखने के लिए, हमारे चिकन स्टीम मोमो का फुल वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट टाइम आपको इसी चैनल पे आपको चिकन स्टीम मोमो का भी वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में सब कुछ समझाएंगे कि कैसे हम चिकन स्टीम मोमो को बनाएंगे, कैसे चिकन मैरिनेशन करेंगे और किस तरीके से मोमो फिलिंग करेंगे, कैसे फोल्ड करेंगे, सब कुछ मैं वाला अगली बार वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फैमिली मेम्बर के साथ या फ्रेंड के साथ में शेयर करना। और दोस्तों ये मोमोज जो हमारा पैन फ्राई मोमोज है, ये कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही हेल्दी फूड खाने के लिए कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एक नई